दोस्तों आज के जमाने में गूगल सिर्फ एक वेबसाइट नहीं पर पूरे इंटरनेट की दुनिया का दरवाजा बन गया है। अब लोग साइट के नाम कम याद रखते हैं और अपनी पसंदीदा चीजों को गूगल करके ओपन करना बेहतर समझते हैं। सन 2013 और 2009 में गूगल 2 मिनट के लिए बंद हो गया था, जिसकी वजह से इंटरनेट पर लोगों का ट्रैफिक 40% कम हो गया था। अगर सिर्फ 2 मिनट में दुनिया का ये हाल हो गया था तो सोचिए अगर गूगल 1 घंटे के लिए बंद हो गया तो क्या होगा। आइए जानते हैं गूगल के बिना दुनिया के हालात। आप देख रहे हैं फैक्ट जिनी। तो दोस्तों पहले 5-10 मिनट में तो जब गूगल वेबसाइट नहीं खुलेगी तो लोगों को ये लगेगा कि उनके इंटरनेट में ही कोई दिक्कत है। लोग सोचेंगे कि उनका मोबाइल, लैपटॉप और अन्य डिवाइसों में कोई दिक्कत आ गई है और वो उसी को ठीक करने में लग जाएंगे। पर कुछ ही देर में उन्हें पता लग जाएगा कि बाकी की साइट्स खुल रही हैं पर गूगल ही बंद है, जिसे सुनके किसी को विश्वास नहीं होगा क्योंकि गूगल अपनी लगातार सर्विसेज के लिए माना जाता है। कम ही लोगों को पता है कि इंटरनेट पर चीजें ढूंढने के लिए गूगल के अलावा भी काफी वेबसाइटें हैं, जैसे बिंग और याहू। पर जिन्हें इन साइटों के बारे में नहीं पता होगा वो गूगल न कर पाने के कारण उन्हें ढूंढ भी नहीं पाएंगे। दुनिया भर के लोग फेसबुक पर लॉगिन होकर इसके बारे में चर्चा चालू कर देंगे और एक दूसरे से इसे चलाने के तरीके पूछने लगेंगे। सारी सोशल मीडिया साइट्स जैसे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक गूगल बंद होने की न्यूज और फोटो से भर जाएंगे और बिंग और याहू के सर्च इंजनों का ट्रैफिक बहुत ही बढ़ जाएगा। गूगल बंद होते ही उससे जुड़ी बाकी साइटें भी बंद हो जाएंगी, जैसे कि जीमेल और यूट्यूब। जीमेल बंद होते ही पूरी दुनिया अपने अकाउंट से मेल नहीं भेज पाएगी, जिससे कई बिजनेस को बहुत सारे पैसों का नुकसान होगा। और YouTube बंद होते ही लोगों का वीडियो देखने का साधन भी चला जाएगा। जो लोग Google मैप से अपना रास्ता ढूंढते हैं वो खो जाएंगे और खासकर Android फोन वालों का तो फोन ही ब्लॉक होने की संभावना है, क्योंकि Android भी Google का ही एक प्रोडक्ट है। हालांकि चाइना के लोगों को गूगल के बंद होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वहाँ गूगल पहले ही बैन है। मीडिया कवरेज इस खबर से भर जाएंगे और गूगल की प्रीमियम सर्विसों में जिन्होंने अपना पैसा लगाया है वो घबरा जाएंगे। लोग गूगल की सर्विसेज फ्री होने के बाद भी गूगल की बुराइयां करेंगे और गूगल छोड़ के अन्य साइटों में जाने का सुझाव देंगे। पर जैसे ही गूगल वापस चालू हो जाएगा, गूगल पूरे इंटरनेट पर बंद होने की माफिया मांगेगा। लोग गुस्से में तो होंगे पर गूगल का वो सिंपल सा पेज देखकर सब भूल जाएंगे और फिर से गूगल के साथ जुड़ जाएंगे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है और क्या क्या होगा अगर गूगल बंद हो गया तो, नीचे कमेंट करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक भी करें। साथ ही साथ ऐसे और मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।